अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, हसन कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मकदम करते हैं। सरकारी स्कूल के असातिज़ा के लिए खुशखबरी लाया हूँ। ब्रिटिश कौंसिल की जानिब से उनके लिए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया गया है। वो मास्टर्स हजरात जो सरकारी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं और पाकिस्तानी हैं, उनके लिए यूके की यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप हैं। प्लीज़ गेट कनेक्टेड विद अस और जान जाइए आखिर तक कि ये वज़ाइफ एलिजिबिलिटी वगैरह क्राइटेरिया और मुख्तलिफ मालूमात क्या हैं। तो जो ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप है, 6 स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया गया है इंग्लिश टीचर के लिए जो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं और मास्टर उन्होंने किया हुआ है। यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज़ उनको स्कॉलरशिप दे रही हैं। ये फुली फंडेड है। इनमें से 3 स्कॉलरशिप जो हैं फेस टू फेस प्रोग्राम के लिए हैं, जो कि एमएस और टिसल के लिए हैं, और इसके अलावा लिंग्विस्टिक एट न्यूकैसल यूनिवर्सिटी यूके में, और 3 स्कॉलरशिप ऑनलाइन हैं मास्टर हजरात के लिए टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस, जिसको टिसल कहा जाता है, जिसमें फॉर टीचिंग की टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करा दी जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज से। जो स्कॉलरशिप हैं ये 2 साल के पीरियड तक हैं, यानी 2 साल तक ये स्कॉलरशिप रहेगी। ब्रिटिश कौंसिल इंग्लिश टीचर स्कॉलरशिप ये बिल्कुल फुली फंडेड है मास्टर्स लेवल के हजरात के लिए इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, यानी दोनों यूनिवर्सिटीज़ की जो स्कॉलरशिप हैं बिल्कुल फुली फंडेड हैं। और टीचर्स जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनको यूके की स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तहराना जायज़ा लेते हैं इसकी जो लेवल है, मास्टर लेवल है, सोशल साइंसेस फील्ड है और इंटरनेशनल कैटेगरी या टाइप है, कैटेगरी मेरिट बेस्ड है और तमाम पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। डेडलाइन 17 जून 2022 है। जो फेस टू फेस प्रोग्राम है, आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। फेस टू फेस प्रोग्राम में 3 स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती हैं इंग्लिश टीचर्स के लिए जो पाकिस्तान से हैं और जिन्होंने एमए अप्लाइड लिंग्विस्टिक और टिसल टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस करना चाहते हैं फ्रॉम न्यूकैसल यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा जो एमए का प्रोग्राम है न्यूकैसल यूनिवर्सिटी का, ये फेस टू फेस डिग्री प्रोग्राम है और आपको तकरीबन जितना भी दौरानिया है इसमें आपको यूके में रहना पड़ेगा। प्रोग्राम सितंबर 2022 में शुरू होगा और अगस्त में इख्तिताम पजीर होगा। इसके लिए जो डेडलाइन है 3 मई 2022 है, यानी ऑनलाइन अप्लाई आप 3 मई 2022 तक कर सकते हैं। जहां तक ऑनलाइन प्रोग्राम का ताल्लुक है तो इसके लिए भी 3 फुली फंडेड स्कॉलरशिप दी जाएंगी इंग्लिश टीचर्स के लिए जो पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, ऑनलाइन एमएससी टीचिंग इंग्लिश प्रोग्राम के लिए जो स्पीकर ऑफ अदर लैंग्वेजेस हैं, इसमें स्पेशलाइजेशन आप लोगों ने करनी होगी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज से। वो टीचर जो तमाम साल यूके में गुजारना नहीं चाहते हैं उनके लिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो ऑनलाइन एमएससी प्रोग्राम है सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी का, ये उनके लिए बेहतरीन है। इसमें सिर्फ ये होगा कि 2 हफ्ते की फुली फंडेड रेजिडेंशियल विजिट आपको बरतानिया करना पड़ेगा सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी, जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा है, सिर्फ दो हफ्ते के लिए। इस प्रोग्राम की डेडलाइन जो है वो 17 जून 2022 है। जो ब्रिटिश कौंसिल स्कॉलरशिप की फुली फंडेड ऑफर हैं दोनों के लिए, यानी फेस टू फेस प्रोग्राम और जो ऑनलाइन है, इन सब के लिए बिल्कुल फ्री ट्यूशन है। IELTS एग्ज़ाम का ख़र्चा भी इदारे के ज़िम्मे है और यहाँ पे रिहाइश का बंदोबस्त भी आप लोगों के लिए मुफ्त है, और फ्लाइट का, यानी यूके तक आने का जो फ़्लाइट है, ये इसका किराया भी हुकूमत के ज़िम्मे है,
और वीज़ा के जो तमाम अखराजात, इसके अलावा जो इंश्योरेंस के अखराजात हैं, ये भी हुकूमत के ज़िम्मे हैं, आपको कुछ अदा नहीं करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आप इसके लिए अप्लाई किस तरह करेंगे, इसके लिए मैंने न्यूकैसल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज के लिंक्स वगैरह और मालूमात दी हैं, वहाँ पर आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई और मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। दोनों के डेडलाइन एक मरतबा फिर मैं आपको बताऊँ, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल का जो फेस टू फेस एम ए प्रोग्राम है 3 मई आखिरी तारीख है, और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज की 17 जून आखिरी तारीख है, जो एम एस सी ऑनलाइन प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। आप ये नोट करें कि इंग्लिश टीचर के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले मास्टर के प्रोग्राम में दाखिला लेना पड़ेगा। एप्लीकेंट्स तब तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी जो ये प्रोसेस है मुकम्मल कन्फर्म नहीं हो जाता। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और डिस्क्रिप्शन प्लीज़ हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि अक्सर वीडियोस में वीडियो से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में मालूमात होती हैं। चाहते हैं कल तक आपसे इजाज़त। अल्लाह वारिस।